हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है कि केमिकल काइनेटिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ केमिकल रिएक्शन अकर। केमिकल काइनेटिक्स से हम ये जान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है किस तरह से होती है। काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन से, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन जो है किस रेट से हो रही है, किस स्पीड से हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में उसी के बारे में डिस्कस करना है। जैसे कोई भी रिएक्शन है तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में जो है एक उसकी स्पीड होती है, तो उसी को हम रेट बोलते हैं। तो किस रेट से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये रिएक्शन जो है किस रेट से हो रही हैं, किस तरह से होती हैं, इसके बारे में हमको इसमें डिस्कस करना है। तो देखिए, यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स हम किसको बोलते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। मतलब एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम रिएक्शन रेट का स्टडी करते हैं और उसके मैकेनिज्म का स्टडी करते हैं कि मतलब रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। तो इसमें हमको बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है निकालना है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसका रेट हम कैसे निकालेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे रेट जो है दो तरह का होता है, एक एवरेज रेट होता है और एक इंस्टेंटेनियस रेट होता है, तो उसको कैसे निकालते हैं उस पर क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले रेट क्या होता है इसको देखते हैं। तो देखिए, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिफाइन एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। जैसे रिएक्शन जो होती हो रही है तो क्या होता है, रिएक्शन जब होती है तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। जो रिएक्टेंट होता है आर क्या है, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो ये जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट में चेंज हुआ, या ये बोल सकते हैं कि यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, या ये भी बोल सकते हैं कि कितना यूनिट टाइम में प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हुआ। तो यूनिट टाइम में जो चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, उसी को क्या कहते हैं, रेट बोलते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट है, फर्स्ट में ये है कि द रेट ऑफ, सॉरी, ये डेफिनेशन यहाँ पे है कि द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइन एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज आर प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो टू बी मोर स्पेसिफिक, इट कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट है कि द रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वही यहाँ पर बोला है, सेकेंड में है द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो रेट जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इस तरह से हम रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन से आप ये निकाल सकते हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिक्रीज होगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है,
इंक्रीज होता है या यूनिट टाइम में इंक्रीज होता है। चलिए हम यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन से इसको समझते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं लेट ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, लेट ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम लोग यहाँ पे लेते हैं जिसमें कि रिएक्टेंट किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट जो है चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो R क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट है। R जो है रिएक्टेंट है जो किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो हम मान लेंगे कि T1 और T2 टाइम पर, जैसे T1 टाइम पर जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है R1 है। T1 टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, R1 है। T1 टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, R1 है। और T2 टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है, T1 टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R1 है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट T2 टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, P1 है। इसी तरह से हम जैसे T1 टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, R1 है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, P1 है। फिर हम निकाल लेंगे कि T2 टाइम पे, तो T2 टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये जो है R2 है, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है ये है P2। T2 टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, P2 है। तो चेंज इन टाइम देखिए ऐसे है कि जैसे ये रिएक्टेंट है और ये चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, तो T1 टाइम पे इसका कंसंट्रेशन R1 है रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, P1 है। फिर T2 टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है R2 है, और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, P2 होगा। क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे चेंज इन टाइम कितना हो गया, चेंज इन टाइम इंटरवल हो गया T2 माइनस T1 हो गया। और इसमें जो है चेंज इन कंसंट्रेशन इन द रिएक्टेंट एंड चेंज इन कंसंट्रेशन इन द प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसमें निकालेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा वो डेल्टा आर ऐसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1, कंसंट्रेशन R2 माइनस क्या होगा, R1 होगा। इसी तरह से चेंज इन कंसंट्रेशन आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन आप प्रोडक्ट, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू पी टू माइनस क्या होगा पी वन। तो इस तरह से हम जैसे यहाँ पे अभी हम लोग जो निकाले हैं, जैसे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिए हैं जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो रहा है, तो टी वन टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर वन हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया पी वन हो गया। टी टू टाइम पर हम फिर निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर टू और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा पी टू। तो यहाँ पे एक शार्ट में लिख दिए हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो रहा है, तो T1 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P1 है, T2 टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R2 है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P2 है। तो यहाँ पे चेंज इन टाइम इंटरवल कितना हुआ T2 माइनस T1 हो गया और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया R2 माइनस R1 और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया P2 माइनस P1। तो अब हम जैसे कि चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल लिए, टाइम में चेंज निकाल लिए, तो अब रेट निकालेंगे। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, इसी को हम बोलते हैं एवरेज रेट भी बोलते हैं, एवरेज रेट। तो ये होता है इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। तो इस तरह से हम निकालते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है, इसलिए रिएक्टेंट के लिए हम निकालेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मतलब रिएक्टेंट जो है कम हो रहा है, किस रेट से रिएक्टेंट जो है ख़त्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट या एवरेज रेट क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। तो इसको हम डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को, देखिए यहाँ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है इसलिए इसका रेट निगेटिव लेते हैं, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन टाइम टेकन, मतलब कि डेल्टा टी। फिर इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं माइनस डेल्टा आर, अभी हम लोग निकाले थे आर टू, माइनस क्या हो जाएगा आर वन और टाइम क्या हो जाएगा टी टू, टाइम हो जाएगा टी टू माइनस क्या हो जाएगा टी वन। तो इस तरह से ये जो रेट होगा तो इसको बोलते हैं एवरेज रेट, आर ए भी से डिनोट करेंगे इसको, एवरेज रेट को। तो ये आर ए भी जो है आया इतना, एवरेज रेट कितना आया, ये आया माइनस आर टू माइनस आर वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो ये जो रेट है वो कौन सा रेट है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और एवरेज रेट इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा आर की जगह पे लिख सकते हैं। तो ये तो रिएक्टेंट का हो गया, इसी तरह से हम प्रोडक्ट का भी रेट निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट के केस में हम लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन।
तो इसको हम इसका जो फॉर्मूला होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है इसको आर रेट को लिखेंगे, आर एवरेज इक्वल टू ये रेट जो है प्रोडक्ट का रेट जो है प्लस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। फिर यहाँ पे डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं प्लस पी टू माइनस पी वन अपॉन टी टू माइनस क्या लिखेंगे टी वन। तो ये एवरेज रेट किसके लिए होगा, प्रोडक्ट के लिए। तो इसी फॉर्मूले से हम एवरेज रेट जो है निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो एवरेज रेट है वो एक टाइम इंटरवल के बीच में निकालते हैं, मतलब कि किसी टाइम जैसे 0 से लेके 50 सेकेंड के बीच का जो रेट होगा वो एवरेज रेट होगा। और रेट जो है दो तरीके का होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको 50 सेकेंड पे रेट निकालना है तो 50 सेकेंड का जो रेट होगा वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। एवरेज रेट क्या होगा, 0 से 50 के बीच में जो रेट है वो एवरेज रेट है, लेकिन 50 सेकेंड पे जो रेट होगा वो इंस्टेंटेनियस रेट होगा। तो ये जो है हो गया एवरेज रेट, आप एक तरफ प्रोडक्ट का निकाल लिए हैं और रिएक्टेंट का निकाल लिए हैं। तो देखिए जो एवरेज रेट है वो डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे। तो हम यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं कि एवरेज रेट डिपेंड अपॉन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट एंड टाइम टेकन फॉर दैट चेंज टू अकर। तो जो एवरेज रेट होता है, एवरेज रेट जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे और टाइम टेकन पे। एवरेज रेट जो होता है वो दो तरीके का होता है, अभी हम लोग पढ़े ही थे कि अभी बताए हैं कि रेट आर टू टाइप, रेट जो है दो तरीके का होता है, रेट आर टू टाइप। फर्स्ट है एवरेज रेट। तो जो एवरेज रेट होगा वो किसके बीच में होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है बिटवीन टाइम इंटरवल के लिए। एवरेज रेट हम किसके लिए निकालते हैं, बिटवीन टाइम इंटरवल के लिए। जैसे मान लीजिए फाइव टू 50 सेकेंड इसके बीच में जो रेट होगा वो क्या होगा, एवरेज रेट होगा। और सेकेंड होता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है कि ये जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट निकालते हैं उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो ये जो है इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेटेड एट पर्टिकुलर टाइम। जैसे मान लीजिए 15 सेकेंड पे रेट निकालना हो, जैसे 50 सेकेंड पे, तो 50 सेकेंड का रेट जो होगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा। इसी तरह से किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट हम निकालते हैं वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। तो यहाँ पे ये हो गया एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। इसके बाद हम इसमें एक ग्राफ देखेंगे, तो इस ग्राफ से हम निकाल सकते हैं। देखिए एक छोटा सा इसमें ग्राफ बनाते हैं, सॉरी
इसमें एक एक ग्राफ बनाते हैं इस तरह से। इस पे दिखाया गया है टाइम को, इस पे टाइम को, और इस पे दिखाया है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, इस पे दिखाया गया है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। तो ये रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कम होता है। तो ये ग्राफ जो है इस तरह से आता है, ये ग्राफ जो है ऐसे आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम दो टाइम ले रहे हैं, एक टाइम जो है T1 ले रहे हैं और एक टाइम जो है T2 ले रहे हैं। तो T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगा, T1 टाइम पे, वो देखिए कैसे निकालेंगे। इस तरह से एक ये हो जाएगा T1 टाइम का कंसंट्रेशन R1, और T2 टाइम का कंसंट्रेशन जो है ये होगा R2। तो ये जो रेट होगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसको बोलेंगे एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये हो गया एवरेज रेट जो है। इसके बाद हम अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना चाहें, तो जैसे यहाँ मान लीजिए टी टाइम पे हम जो रेट निकालेंगे, तो टी टाइम पे देखिए ये यहाँ पे आ गया। तो हम इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए क्या करते हैं कि जहाँ पे जैसे टी टाइम पे ये पॉइंट जो टच कर रहा है, इस पॉइंट को टच करते हुए एक ऐसे एक लाइन, एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, और उसी टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। जो स्लोप आता है वही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इसलिए जो यहाँ इंस्टेंटेनियस रेट होगा, आर इंस्टेंटेनियस, ये हो जाएगा माइनस डी आर अपान डी, मतलब कि बहुत स्मॉल इंटरवल में जो रेट होता है उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इस पे क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो रिएक्टेंट के लिए था, इसी तरह से हम प्रोडक्ट के लिए भी बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए भी इसको बना लेते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऐसे इंक्रीज होता है, इस तरह से होगा। तो इस पे जो है दिखाया गया है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस पे दिखाया है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और इस एक्सिस पे टाइम को दिखाया गया है। तो यहाँ पे दो टाइम हम लेंगे, एक टाइम लेंगे T1, और देखिए T1 पे जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा वो ये होगा P1, और एक टाइम लेंगे T2। तो T2 पर जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा वो ये आएगा, ये होगा P2। तो यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक का ये जो रेट है, इसी को हम बोलते हैं एवरेज रेट, और ये हो जाएगा P2 माइनस P1, कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये हो जाएगा। और अगर हमको इसमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तो किसी भी टी टाइम का, जैसे यहाँ पे हम एक टी टाइम पे रेट निकालें, तो इसके लिए यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, और ये पॉइंट यहाँ पे टच करेगा। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस पॉइंट पे एक ऐसे टेंजेंट ड्रा करेंगे, और इस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, और जो स्लोप आएगा वही क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा। तो ये हो जाएगा dP अपान dT। P जो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, और ये किसके इक्वल होगा, स्लोप के। ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, तो जो स्लोप आएगा वही इंस्टेंटेनियस रेट होगा।
यहाँ पर भी स्लोप निकालेंगे तो यहाँ का जो स्लोप होगा वो निगेटिव में होगा, यहाँ का जो स्लोप होगा वो निगेटिव में होगा रिएक्टेंट के लिए, और प्रोडक्ट के लिए जो स्लोप होगा वो प्लस पॉजिटिव में होगा। तो ये था रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन और सॉरी रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन हम रेट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ग्राफ बनाए थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखना है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें देखिए रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट जिसको एवरेज रेट हम बोलते हैं, तो ये होता है माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर अपान कंसंट्रेशन ऑफ टी, डेल्टा टी सॉरी कंसंट्रेशन नहीं डेल्टा टी। तो देखिए यहाँ पे इसका जो यूनिट होगा वो कंसंट्रेशन हो जाएगा, कंसंट्रेशन डेल्टा आर क्या है कंसंट्रेशन है, और नीचे जो है टाइम, टाइम जो है किस में लेंगे सेकेंड में ले सकते हैं। तो जो कंसंट्रेशन इसमें होता है वो मोल पर लीटर में होता है, तो ये आर एवरेज जो है कंसंट्रेशन किस में हो जाएगा, मोल मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में, और टाइम का जो है सेकेंड हो गया। तो यूनिट जो होगा वो हो जाएगा मोल लीटर की पावर माइनस वन सेकेंड की पावर माइनस वन। तो ये जो है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा मोल लीटर की पावर वन सेकेंड की पावर, लीटर की पावर माइनस वन सेकेंड की पावर माइनस वन, या मोल पर लीटर सेकेंड ऐसे बोल सकते हैं। अब जैसे कि ये तो लिक्विड स्टेट में है, अगर रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो, इन गैसियस रिएक्शन, तो गैसियस रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि यूनिट जो लेते हैं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो जैसे इसमें हम लोग कंसंट्रेशन लिए थे, कंसंट्रेशन की जगह यहाँ एटमॉस्फेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एटमॉस्फेयर एटीएम पर सेकेंड। तो गैसियस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। तो ये था जो है रेट से रिलेटेड। इसके आगे हम लोग इसमें एग्जांपल देखेंगे इसका जो है, और उसके बाद एक रिएक्शन का रेट कैसे निकालते हैं उस एग्जांपल को देखेंगे। बाद हम देखते हैं एग्जांपल 4.1 जो है, तो ये एग्जांपल जो है देखना है, इसमें हमको एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट जो है निकालना है, जो कि अभी हम लोग थ्योरेटिकल पढ़े हैं। तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 4.1 है। तो देखिए इसमें दिया गया है कि फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड एट डिफरेंट टाइम गिवन, अलग अलग टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड जो है दिया गया है बिलो, टाइम गिवन बिलो, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट जो है निकालना है हमको। और यहाँ पे एक रिएक्शन भी दिया गया है, और देखिए अलग अलग टाइम पर, अलग अलग टाइम पर, जैसे कि जीरो पर, जीरो पर, 50 सेकेंड पर, 100 पे, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है देखिए कंसंट्रेशन दिया गया है, 200 पे, 300 पे, 400 पे, 700 पे, ये जैसे कि ऊपर जो है समय दिया हुआ है, टाइम जो है जीरो सेकेंड, 50 सेकेंड, 100 सेकेंड, 150, 200, 300, 400, 700, 800, तो इतने टाइम पर हमको ब्यूटाइल क्लोराइड का कंसंट्रेशन दिया है मोल पर लीटर में,
0.100.095 ऐसे दिया गया है, और हमको बोला गया है कि आपको निकालना है एवरेज रेट। तो एवरेज रेट निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि एवरेज रेट हम लोग किस तरह से निकालते हैं। एवरेज रेट का फार्मूला जो है, जैसे कि एवरेज रेट निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, जैसे आर एवरेज जो है होता है माइनस, जैसे रिएक्टेंट के लिए निकाल रहे हैं तो माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा आर वन अपान क्या होगा टी टू माइनस टी वन, इस तरह से होता है। अगर प्रोडक्ट के लिए हम एवरेज रेट निकाल लें तो प्रोडक्ट के केस में माइनस कंसंट्रेशन ऑफ पी टू माइनस पी वन अपान क्या होगा टी टू माइनस टी वन। तो यहाँ पर जो एवरेज रेट निकालना है वो रिएक्टेंट के लिए निकालना है, मतलब कि ब्यूटाइल क्लोराइड के लिए। ब्यूटाइल क्लोराइड यहाँ पे रिएक्टेंट है और ब्यूटाइल एल्कोहल जो है यहाँ क्या है प्रोडक्ट है। तो ये जो कंसंट्रेशन दिया है, ये कंसंट्रेशन किसका दिया है, ब्यूटाइल क्लोराइड का दिया गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक टेबल इस तरह से बना करके हम आसानी से रेट जो है निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एक टेबल बनाया है, जीरो सेकेंड पर ये टाइम जो है टी वन है, ये टाइम क्या है टी टू है। देखिए अलग अलग टाइम पर ये जो है, देखिए ये टी वन टाइम जीरो, टी वन टाइम जीरो लिया है और टी टू टाइम को क्या लिया है 50। तो जीरो सेकेंड पर देखिए कंसंट्रेशन कितना है, जीरो सेकेंड पर कंसंट्रेशन है 0.01, मतलब कि ये देखिए टी वन टाइम है, जीरो के लिए 0.01 है। और देखिए यहाँ पर हम लोग ये क्वेश्चन में भी दिया है जीरो सेकेंड पर, देखिए जीरो सेकेंड पर ये जीरो सेकेंड पर जो कंसंट्रेशन है वो 0.100 है, और 50 पर जो कंसंट्रेशन है कितना है 0.0905 है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक टेबल में रखा गया है। देखिए ये जीरो जीरो सेकेंड पर कंसंट्रेशन 0.100 और 50 पे कंसंट्रेशन क्या है 0.0905, मतलब ये कंसंट्रेशन ऑफ आर वन दिया है और ये क्या दिया है कंसंट्रेशन ऑफ आर टू मतलब टी टू टाइम का। तो ये 0 से 50 हो गया। तो 0 से 50 के लिए जो रेट होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए 0 से 50 के लिए रेट यहाँ पे देखिए निकाला है 1.90। तो इसको हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो 0 से 50 के लिए जो रेट होगा, एवरेज रेट 0 से 50 के लिए होगा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो माइनस देखिए आर टू जो है कितना है 0.0905, ये है देखिए आर टू 0.0905, तो ये आर टू माइनस आर वन है 0.100 टाइम टी टू जो है 50 है और टी वन क्या है 0 है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आएगा, ये होगा माइनस, और इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस 0.0095 अपान हो जाएगा 50। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये आएगा 0.00019 इतना आएगा। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये आर एवरेज रेट इतना आ गया, तो इसको दो तरीका लिखने का है। जैसे कि यहाँ पे जो टेबल में लिखा है वो देखिए टेबल में क्या किया है, ये देखिए आर एवरेज इनटू 10^4 निकाला है, मतलब एवरेज रेट में 10^4 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाला है। तो हम यहाँ पे वैसी तरह से कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि इसमें 10^4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी क्या होगा 10^4 से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10^4 का मतलब क्या है, 0.00019 इंटू 1 पे 4 0, 1 2 3 4। अब ये 4 0 से 4 डेसिमल कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1.9। तो देखिए ये रेट जो है 1.9 आ गया। तो ये एवरेज रेट होगा 0 से 50 सेकेंड के बीच का। इसी तरह से हम 50 से 100 के बीच का निकालेंगे। जो दूसरा टाइम इंटरवल है, देखिए क्वेश्चन में दूसरा टाइम इंटरवल क्या है, पहला टाइम इंटरवल 0 से 50 होगा, दूसरा 50 से 100 होगा, तीसरा क्या होगा 100 से 150, चौथा 150 से 200, 200 से 300, 300 से 400। तो ये टाइम इंटरवल है और उस पर अलग अलग। अब जो नेक्स्ट टाइम इंटरवल है, देखिए इस टेबल में नेक्स्ट टाइम इंटरवल जो है 50 से 100, 50 से 100। तो अब इसमें 50 क्या है, T1 है, और 100 क्या है, T2 है। तो 50 पे जो कंसंट्रेशन होगा वो R1 होगा। तो देखिए 50 सेकेंड पे जो कंसंट्रेशन था वो ये था, तो यहाँ पे ये 50 सेकेंड पे कंसंट्रेशन था, तो यही कंसंट्रेशन अब हम जो नेक्स्ट टाइम इंटरवल है वो 50 से 100 के बीच में है। तो जब 50 से 100 के बीच में लेंगे तो 50 पर जो कंसंट्रेशन है वो ये लिखेंगे और 100 पे कंसंट्रेशन लिखेंगे 0.082। देखिए यही है टेबल में, यहाँ पे 50 पे कंसंट्रेशन ये है और 100 पे 0.082 है। तो इसके लिए भी हम उसी तरह से निकाल सकते हैं। तो जो नेक्स्ट टाइम इंटरवल है 50 to 100, तो इसके लिए रेट अगर निकालना चाहें तो सेम मेथड है, उसी तरह से हम एवरेज रेट जो है निकाल सकते हैं। चलिए इसके लिए भी निकाल लेते हैं। तो जो सेकेंड टाइम इंटरवल है वो 50 से 100 सेकेंड के लिए, इनके बीच में एवरेज रेट निकालना है। तो माइनस वही R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ये कंसंट्रेशन है टर्म, R2 और R1 क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। तो ये माइनस R2, R2 कितना है, पॉइंट 0.082 माइनस 20 माइनस 0.0905 अपान क्या हो जाएगा, 100 माइनस 50। तो फिर इसको हम सॉल्व करें अगर, तो माइनस ये आएगा माइनस 0.0085 अपान 50, इतना आएगा। फिर इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा प्लस 0.00017। ये आर एवरेज रेट आ गया। अब जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, तो इसको अगर आर एवरेज इंटू 10^4 करते हैं तो इधर भी हमको 0.0017 इंटू 10^4 करना पड़ेगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.7 आएगा। तो ये देखिए सेकेंड के लिए भी रेट कितना आ गया, 1.70। तो इसी तरह से हम सभी इंटरवल के लिए, मतलब कि 100 से 150, सभी इंटरवल्स के लिए कंसंट्रेशन टर्म लिख करके और एवरेज रेट जो है आसानी से निकाल सकते हैं। और इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम देखिए इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, ये होगा माइनस dR/dt इक्वल टू dP/dt। dR मतलब रिएक्टेंट के लिए माइनस लिखते हैं, प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, dP/dt होगा। अब देखिए इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ग्राफ बनाएंगे पहले। तो एक ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है। ये ग्राफ जो है देखिए किसके किसके बीच में है, ये ग्राफ जो है टाइम, जो टाइम था 0 से यहाँ पे 1000 तक लिया गया है टाइम, 0 से 1000 तक, और इस पे लिया गया है कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड। देखिए इस पे कंसंट्रेशन है किसका, ये है कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड का ये। तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इनके लिए क्या किया गया है, यहाँ पर
कि इनके बीच में ग्राफ बनाया गया है। तो देखिए जीरो पे जो यहाँ कंसंट्रेशन है वो राउंड ऑफ करके लिखा गया है, जीरो ऐसे जीरो से लेकर के 0.02, 0.04, 0.06 ऐसे राउंड ऑफ करके कंसंट्रेशन लिखा गया है, जो कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया था ब्यूटाइल क्लोराइड का। तो और टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में एक ग्राफ बनाया है, और फिर क्या किया है कि जैसे इंस्टेंटेनियस रेट हम निकालते हैं तो किसी फिक्स टाइम पे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि एक फिक्स टाइम इसमें लिया है, इसमें एक फिक्स टाइम लिया है ये 600 सेकेंड। 600 सेकेंड पे हमको क्या करना है, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए हमको देखिए 600 पे यहाँ पे है, तो इसको टच करते हुए ऐसे एक टैंजेंट ड्रॉ किया है 600 को, 600 टाइम पे ये जो टाइम है इस टाइम पर ग्राफ को टच करते हुए जहाँ पे 600 टाइम आएगा वहाँ 600 सेकेंड आएगा वहाँ को उस पॉइंट को टच करते हुए ऐसे एक टैंजेंट खींचा गया है, और इस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप निकालेंगे तो देखिए ये लोअर पॉइंट है और ये हायर पॉइंट है, तो इसको हम ऐसे जो है मिला देंगे इस तरह से, नीचे मिलाएंगे इसको और फिर इसको ऐसे मिलाएंगे, तो इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप हो जाएगा ये जो स्लोप लेंगे वो ये होगा जो आर इंस्टेंटेनियस जो रेट होगा वो स्लोप हो जाएगा माइनस डी आर अपान डी टी। तो यहाँ पे स्मॉल ये किसके इक्वल होगा, स्लोप के, ये जो है माइनस स्लोप के इक्वल होगा। अब इसका जो है जैसे कि ये जो टेंजेंट खींचे हैं तो ये टेंजेंट जो है देखिए कितने टाइम इंटरवल के बीच में है, तो ये टेंजेंट जो आ रहा है वो 400 से 800 के बीच में आ रहा है, जैसे कि 400 T1 टाइम हो जाएगा और 800 क्या हो जाएगा T2 टाइम। तो T2 टाइम के लिए देखिए कंसंट्रेशन जो है देखिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा वो 0.0165 लिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.0165 लिया गया है, और यहाँ का कंसंट्रेशन जो ये वाला है ये इसको अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ कंसंट्रेशन होगा वो 0.037 लिया है, 0.037। और टाइम जो है तो देखिए 800 सेकेंड पर कंसंट्रेशन ये है और 400 सेकेंड पर कंसंट्रेशन ये है। तो इस टेंजेंट का हम स्लोप जब निकालेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं कि आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस, वही यहाँ पे भी फार्मूला यूज करेंगे, माइनस R2 माइनस R1 अपान T2 माइनस T1। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया माइनस R2 जो है 0.0165 लिया है, क्वेश्चन में दिया गया है इतना, मतलब ये जो एग्जांपल है उसमें सॉल्व करके दिया है इतना कंसंट्रेशन लिया है इस टाइम पे। देखिए 800 पर यहाँ से ये अगर पॉइंट बढ़ाएंगे इसको तो ये इतना कंसंट्रेशन आएगा, 400 पे देखिए कंसंट्रेशन जो है ये आ रहा है 0.037 आ रहा है। तो यहाँ पे रख देंगे माइनस यहाँ 0.037 और टाइम जो है 800 माइनस 400। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस में आएगा 5.12 इंटू 10^-5 आएगा, मोल पर लीटर माइनस वन सेकेंड माइनस वन होगा। तो ये जो है इसका जो है रेट होगा इंस्टेंटेनियस रेट। तो इस तरह से हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट जो है इसमें निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए क्या करेंगे कि जिस टाइम पे आपको निकालना है उस टाइम को उस सेकेंड को टच करते हुए एक टेंजेंट ड्रा करेंगे ग्राफ के ऊपर और उसी टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे, तो वही इंस्टेंटेनियस
रेट होगा। तो ये हो गया, आई होप इस एग्जांपल को आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल इसमें करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कोई रिएक्शन दिया हुआ है और उस रिएक्शन का हम रेट कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे दो तीन एग्जांपल को लेकर के देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है, देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है कि ये रिएक्शन दिया है HG, ये लिक्विड स्टेट में है, प्लस Cl2। Cl2 जो है गैसियस स्टेट में है और इससे बना है HgCl2। ये गैसियस स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है। तो इस रिएक्शन का हमको रेट लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इसका। तो देखिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम ऐसे लिखते हैं, देखिए जो रिएक्टेंट साइड है उसका रेट निगेटिव लिखते हैं और जो प्रोडक्ट होता है उसका रेट पॉजिटिव में लिखते हैं। तो रिएक्टेंट इसमें क्या है, ये मरकरी है, तो सबसे पहले इसका रेट लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मरकरी, मतलब कि डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ HG अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, फिर इक्वल करेंगे, उसके बाद इसका रेट लिखेंगे क्लोरीन का। तो इसका रेट हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन Cl2 अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद जो है फिर हम, ये रिएक्टेंट 2 ही था, इसके बाद इसमें ये प्रोडक्ट है तो इसका रेट लिखेंगे। तो प्रोडक्ट का रेट जो है प्लस लिखते हैं, प्लस, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HgCl2 अपान क्या हो जाएगा डेल्टा टी। तो इस तरह से हम कोई भी रिएक्शन दिया है तो इसका रिएक्शन का रेट लिखते हैं। जैसे एक तो इसमें सिंपल रिएक्शन थी, इसके बाद कुछ और रिएक्शन हम लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन हम ये ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक रिएक्शन ले रहे हैं 2HG2HI, और इससे जो है ये गैसियस स्टेट में है और इससे बन रहा है H2G+I2। H2G मतलब गैसियस स्टेट, I2 आयोडीन है गैसियस स्टेट में। तो इसका रेट लिखेंगे, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हो जाएगा, देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है 2HI है, तो इसका रेट लिखेंगे तो माइनस जो कोएफिशिएंट होता है उसको 1/1 अपान करके लिखेंगे, तो 1/2 लिख देंगे। और उसके बाद फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI अपान टाइम इंटरवल, मतलब कि डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा HI का रेट। फिर ये रेट जो है, सभी रेट आपस में इक्वल होते हैं, सभी रेट को इक्वल करते हैं, लेकिन रिएक्टेंट का रेट निगेटिव होता है, प्रोडक्ट का रेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जैसे ये H2 है, तो H2 यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो इसका रेट जो है पॉजिटिव होगा। फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी। फिर इसके बाद जो है देखिए इसमें क्या है, आयोडीन है, तो आयोडीन का रेट इक्वल करके लिखेंगे, इक्वल प्लस, फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन अपान क्या लिखेंगे, टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो इस तरह से हम रेट लिखते जाते हैं। जैसे एक रिएक्शन और लेते हैं, उसका रेट लिखते हैं। तो चलिए जैसे कि एक रिएक्शन हम यहाँ पे एक और ले रहे हैं जिसमें दिया है 5Br- और ये एक्वस स्टेट में है। इसके बाद फिर लेते हैं BrO3-, तो ये भी एक्वस स्टेट में है, प्लस 6H+, ये हो गया। इसके बाद है इक्वल टू, ये तो रिएक्टेंट था और इसका प्रोडक्ट जो है वो 3Br2 एक्वस स्टेट में है ये। फिर इसके बाद है 3 वाटर मॉलिक्यूल, 3H2O
H3H2O है और ये लिक्विड स्टेट में है। तो इस तरह से एक रिएक्शन दिया है, तो इस रिएक्शन का रेट लिखना है। तो देखिए इसमें इसका रेट जो होगा, ये रिएक्टेंट है तो इसका रेट हो जाएगा -1/5। इसमें जो कोएफिशिएंट होता है वो 1/5 करके लिखते हैं, तो -1/5। और उसके बाद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन Br-ion/ΔT। अब इसका रेट जो है इसके रेट के इक्वल होगा, इसके रेट के इक्वल होगा, तो इसका भी रेट लिखेंगे माइनस, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br-O3- क्या हो जाएगा ΔT इक्वल टू। फिर इसके बाद देखिए इसका रेट लिखेंगे ये हाइड्रोजन 6 का, तो ये हो जाएगा -1/6। और फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ ion/ΔT इक्वल टू, अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट है तो इसका रेट लिखेंगे, तो ये प्रोडक्ट का प्लस में लिखेंगे तो 1/3। और ये हो जाएगा ब्रोमीन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन अपान टाइम इंटरवल। इसके बाद फिर इसका रेट लिखेंगे, तो इसका रेट ये भी प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा इक्वल में +1/3। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपान क्या हो जाएगा ΔT हो जाएगा। तो इस तरह से हम रेट जो है रिएक्शन का लिखते चले जाते हैं। कैसे भी रिएक्शन दिया हो तो इस तरह से हम रेट जो है लिखते जाएंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जो रिएक्टेंट होगा उसका रेट हम नेगेटिव लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है उसका रेट क्या लिखते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं। कोएफिशिएंट अगर कोई भी दिया हुआ है, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जैसे कि यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 है, तो इस 5 को 1/5 के रूप में लिखेंगे। जैसे कोई भी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जैसे देखिए ये 6 है, तो इसको हम लिखेंगे 1/6 के टर्म में, इस तरह से लिखते हैं। जैसे देखिए ये 3 है, तो इस 3 को 1/3 लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। ये जो 3 है इसको भी देखिए 1/3 करके लिखा गया है। तो इसमें ये इस तरह से हम रेट जो है लिखते जाते हैं। इसी रेट ऑफ रिएक्शन पे, जैसे किसी रिएक्शन पे एक हम लोग एग्जांपल लेंगे इसमें, तो उस एग्जांपल को लेकर के देखिए इसमें एग्जाम्पल जो है 4.2 को देखते हैं, जो कि अभी हम लोग जो रिएक्शन का रेट लिखे थे उसी पर बेस्ड ये एग्जाम्पल है 4.2। तो इसमें देखिए दिया है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 एट 318 केल्विन हैज बीन स्टडी बाय मॉनिटरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द सॉल्यूशन। Initially, the concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter, and after 184 minutes, it reduced to 2.08 mole per liter. The reaction takes place according to the equation. Reaction ऐसे दिया गया है। इसके बाद है calculate the average rate of this reaction. इन द टर्म ऑफ आवर मिनट एंड सेकेंड। और उसके बाद निकालना है कि व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि N2O5 है जो कि CCl4 में ब्रेक डाउन हो रहा है, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो N2O5 का इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन दिया गया है, आपको एवरेज रेट निकालना है, मिनट में निकालना है, सेकेंड में निकालना है और आवर में निकालना है, और निकालना है कि कितना जो है NO2 का प्रोडक्शन किस रेट से हो रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो इस रिएक्शन को पहले लिख लेते हैं, N2O5 एक गैसियस स्टेट में है और इससे बन रहा है 4NO2 बन रहा है प्लस 4NO2 ये गैसियस स्टेट में है, प्लस क्या बन रहा है O2, ये भी क्या है गैसियस स्टेट में है। और यहाँ पे जीरो टाइम पे, जैसे कि टाइम जीरो है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन
N2O5 का दिया है, मतलब कि जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन दिया है N2O5 का, वो दिया है 2.33 मोल पर लीटर। इसके बाद दिया है T2, मतलब कि 184 मिनट के बाद N2O5 का जो कंसंट्रेशन बचा वो दिया हुआ है 2.08 इतना मोल पर लीटर। तो हमको T1 और T2 टाइम पे N2O5 का कंसंट्रेशन इसका जो है दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करें, एवरेज रेट इसका निकालना है। तो इस रिएक्शन के लिए रेट आप इस रिएक्शन का हम रेट लिखेंगे। सबसे पहले इस रिएक्शन का क्या करेंगे, रेट लिखेंगे। तो इस रिएक्शन का रेट जैसे सबसे पहले इसका लिखेंगे, तो देखिए 2N2O5 का रेट क्या हो जाएगा, 2N2O5 का रेट हो जाएगा -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है 4NO2, तो इसके बाद है प्लस प्रोडक्ट है ये, तो 1/4 और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपान क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। फिर इसके बाद जो है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लिए इस क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपान डेल्टा टी। तो हमको क्वेश्चन में इसका रेट पूछा गया है, ये रेट पूछा गया है, ये वाला N2O5 का रेट पूछा गया है। तो N2O5 का जो रेट होगा, अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि रेट ऑफ N2O5 जो होगा, रेट ऑफ N2O5 इक्वल टू क्या है, -1/2 चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपान डेल्टा टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, तो देखिए ये हो जाएगा -1/2। अब ये कंसंट्रेशन जो है R2 - R1, मतलब कि R2 कंसंट्रेशन जो है, देखिए T2 टाइम, मतलब ये वाला कंसंट्रेशन 184 पे ये कंसंट्रेशन है, तो ये R2 हो जाएगा और ये T1 मतलब 0 पे ये R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे R2 - R1 यही हम लोग पढ़े थे, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो चेंज होता है वो R2 - R1। तो यहाँ पे R2 यहाँ पे क्या है, 2.08 -R1 यहाँ पे है 2.33 और टाइम है फाइनल 184 है और इनिशियल टाइम क्या है 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा -1/2 और ये माइनस आएगा -0.25 अपान 184। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 1/2 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.00001358 इतना आएगा। फिर 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.00067969 इतना आएगा। और ये जो रेट हम निकाल रहे हैं, रेट ऑफ N2O5, यही क्या है, एवरेज रेट है, मतलब N2O5 का एवरेज रेट है, क्योंकि हम टाइम इंटरवल के बीच में इसको निकाल रहे हैं 0 और 184 के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज रेट हो जाएगा। फिर हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, आर एवरेज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 6.79 × 10⁻⁴। अब देखिए यहाँ पे जो यूनिट होगा वो यूनिट, जैसे टाइम हम लोग किस में लिए थे, मिनट में लिए थे, तो यूनिट यहाँ पर हो जाएगा मोल लीटर
की पावर माइनस वन मिनट की पावर माइनस वन, ये जो रेट आया है वो किस में आया है, मिनट में। अब इसको हमको सेकेंड में और आवर में चेंज करना है, तो चलिए सेकेंड में इसको चेंज करते हैं। तो रेट इन सेकेंड, देखिए सेकेंड में जो रेट होगा वो हो जाएगा आर एवरेज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6.79 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और इसको हम लिख सकते हैं मोल अपान लीटर इंटू मिनट। तो जो मिनट होता है मिनट को सेकेंड में चेंज कर देना है, तो ये हो जाएगा 6.79 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और यहाँ पे मोल अपान लीटर और मिनट की जगह पे क्या हो जाएगा 60 सेकेंड। अब ये सेकेंड में चेंज हो गया, तो ये देखिए हम इसको तब क्या कर सकते हैं, 6.79 अपान 60 हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 4, और ये हो जाएगा मोल अपान लीटर इंटू सेकेंड। फिर आप इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.113 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये हो जाएगा मोल लीटर की पावर माइनस 1 सेकेंड की पावर माइनस 1। फिर इसको हम लिख सकते हैं 1.13 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मोल लीटर की पावर माइनस 1 सेकेंड की पावर माइनस 1। तो ये एवरेज रेट किस में आ गया, सेकेंड में आ गया। अब हमको एवरेज रेट किस में निकालना है, आवर में। तो रेट इन आवर, आवर में देखिए क्या होगा, आर एवरेज जो आया था वो आया था 6.79 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये आया था मोल अपान लीटर इंटू मिनट। तो इस मिनट को एवरेज आवर में चेंज कर देना है, तो मिनट को आवर में हम चेंज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 6.79 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और ये हो जाएगा मोल अपान लीटर, मिनट की जगह पे 1/60 आवर, क्योंकि एक मिनट में होता है 1/60 आवर। तो इसका मतलब क्या होगा कि 60 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं 6.79 इंटू 60 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और ये हो जाएगा मोल अपान लीटर इंटू आवर। फिर आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 407.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और ये हो जाएगा मोल लीटर माइनस 1 आवर माइनस 1। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसमें, आवर में, एवरेज रेट। इसके बाद हमको पूछा था कि प्रोडक्शन ऑफ NO2 कितना, NO2 में प्रोडक्शन हो रहा है। तो देखिए जो रिएक्शन थी उस रिएक्शन में हम लोग रेट लिखे थे, शुरू में जो रेट लिखे थे रिएक्शन का वो लिखे थे -1/2 डेल्टा N2O5 अपान डेल्टा टी, ऐसे लिखे थे, इक्वल टू लिखे थे 1/4 ये NO2 अपान डेल्टा टी, ये हम लोग लिखे थे। फिर ऑक्सीजन का लिखे थे, तो यहाँ ऑक्सीजन का नहीं पूछा है, सिर्फ NO2 के लिए पूछा है। तो देखिए ये वाला जो रेट है, ये जो है इतने की वैल्यू हम लोग निकाल लिए थे 6.79 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल पर लीटर मिनट की पावर माइनस 1, इतना इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये 1/4 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपान डेल्टा टी। तो इसका मतलब देखिए 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमको रेट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपान डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा
6.79 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और ये हो जाएगा मोल मोल पर लीटर मिनट की पावर माइनस 1। फिर आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27.16 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो फिर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2.71 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो इतना जो है हो जाएगा मोल लीटर की पावर माइनस 1 मिनट की पावर माइनस 1। तो ये जो आया है यही क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन, यही है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 का इस रेट से प्रोडक्शन हो रहा है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम यही तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस पे रिलेटेड इंटेक्स क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।